ओहो, ये तो मजदूर आ गया। ठीक है जी, आतिफ अब्दी साहब हैं, शरीफ आदमी है, ये इनका एक ट्रेट है, मजदूर आदमी है। और अब टीम जो है वो जज्बाती होकर पता नहीं क्या क्या कुछ लिख गई राइट साइड पे, आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। चलो मैं जल्दी जल्दी से टिक करा देता हूँ। ये एक टीचर है, ये मोस्ट लाइक वगैरह को चले फिलहाल इग्नोर कर दें। ये जो है ना, अब मतलब ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, मैं अपने बारे में बोल नहीं सकता। चले मेरे टीम मेंबर से आप लोगों ने पूछ लेना है, मैं जल्दी जल्दी से गुजरता हूँ। ये भाई साहब ने मुख्तलिफ क्रैश कोर्सेस कैफ के, सी फैप के, आई कैप में कराए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को। टीचिंग एक्सपीरियंस माशाल्लाह से 14 साल से ज्यादा है। ये प्रिंसिपल इस वक्त सीएमए डीजी इस वेंचर के हैं, और स्कैंस का जो सीए फाइनल का प्रोजेक्ट है उसको लीड कर रहे हैं। नियर पियर का जो सीए प्रोग्राम है उसके पार्टनर के तौर पे हैं। वहाँ पे सीए से रिलेटेड जितना कुछ भी है वो इनकी डोमेन में आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बात सबको पता है, लेकिन कुछ बातें जो सबको नहीं पता, ये बेचारे शरीफ आदमी एमए इस्लामिक स्टडीज भी हैं। अपने शौक से इन्होंने इस्लामिक स्टडीज को अकाउंटिंग के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की, और मैथ इनका जुनून है। वो उसी जुनून की वजह से, जिनकी वजह से इन्हें क्यूएम और कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छी लगती है। एमबीए भी क्रेडिट में ऐड होता है, लेकिन वो बस ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। कॉलेजेस वाले एक एसीए लिख देते हैं, उनके लिए काफी होता है। तो अब चूंकि मुझे मौका मिला तो मैं कहा मैं आपको बता दूं, तो मेरे साथ ये 2-3 क्वालिफिकेशन अटैच हैं, 10 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं, और वो रेटिंग जो है वो 95-93%। वो तो अब आप लोग समझ आ गए हैं कि ये गोलों के अंदर जो लिखा हुआ था उसका क्या मतलब है। तो ये भाई साहब काफी शरीफ आदमी हैं, दुनिया इनको थ्योरी के सब्जेक्ट्स के तौर पे जानती है। मैं ये चीज हमेशा क्लियर करता हूँ, कई दफा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, आप पढ़ा तो काफी कुछ रहे हैं। तो मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि भाई मैं क्यूएम को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। रीजन बींग, मेरी मैथ से अनन्य मोहब्बत, जिसकी वजह से मैंने शौक से प्राइवेटली बीएससी मैथमेटिक्स किया। ये मैंने अपने आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले पहले, कैफ के बाद और आर्टिकल से पहले प्राइवेटली इसको 1-2 महीने की तैयारी के साथ इसको दिया था माशाल्लाह से। तो मैथ जुनून की हद तक पसंद है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्यूएम होता है। सेकेंड प्रेफरेंस लॉजिकल सब्जेक्ट होने की वजह से बीएम। थर्ड में मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग, फोर्थ में ऑडिट, एंड एंड पे मुझे लॉ पसंद होता है। क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक लॉजिकल टीचर के तौर पे चीजों को सर्व करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉलेजेस की अपनी एक नीड होती थी। कॉलेज को लॉ में हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नजर आते हैं, जैसे अभी भी ऑडिट में अगर एक बैच दिया जाता है तो लॉ में मेरे 3-3 बैच होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा बैचेस दी ऑब्वियसली वो जरा ज्यादा लोगों की जबान पे आया, तो लोग मुझे रिवर्स काउंट करते हैं, वो कहते हैं ये लॉ के टीचर हैं, ऑडिट के भी अच्छे टीचर हैं, बीएम पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हैरान होते हैं कि अच्छा क्या ये पढ़ा सकते हैं। और क्यूएम तो हजम ही नहीं होती लोगों को, तो जब हजम ही नहीं होती तो क्यूएम को तो मैंने कहानी से ही गायब कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसा ना हो कि लोग बिल्कुल ही हैरान हो जाएं और वो कहें यार ये तो मजाक हो रहा है, तो ऐसे में क्यूएम को जो है वो खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में बीएम मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि बड़ा जानू सब्जेक्ट है, और मुझे जितने भी स्टूडेंट्स जानते हैं कि बीएम ऑडिट और लॉ में मैं हमेशा बीएम को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। तो बीएम के बाद अगर कोई और सब्जेक्ट मुझे पसंद है तो कॉस्ट है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा सर आप बीएम को तो जानू सब्जेक्ट कहते हैं तो कॉस्ट को आप क्या कहेंगे? तो ये जानू पार्ट टू है, ये जानू की एक सौतन है। तो मुझे बड़े अरसे बाद मेरा फेवरेट पेपर पढ़ाने का मौका मिला है। मैंने 2008 से लेकर 2011 के दरमियान 10 के करीब इसके बैचेस पढ़ाए थे, और उसके बाद मेरे कॉलेज की रिक्वायरमेंट जो थी वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में उन्हें गैप आ रहा था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स उठा के उन्हीं के इतने बैचेस देना शुरू हो गया कि मेरा अपना मासूम सा ख्वाब बहुत पीछे रह गया। अब जब ये मेड इजी आ रहा था तो इसमें मेरा कुछ कन्फ्लिक्ट था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में फिजिकल क्लासेस पढ़ा रहा था। तो ऐसे में फिर टीम ने कहा कि नहीं आपका एक सब्जेक्ट यहाँ हो, तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि मैं अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट जो कि मैं फिजिकली नहीं पढ़ा रहा बड़े अरसे से वो इसमें लेके आऊं। तो इसमें एक छोटी सी कमिटमेंट है मेरी कि कॉस्ट अकाउंटिंग लोगों को थोड़ा सा आसान बना के दिखाना है। लोगों को मैंने ओवर लास्ट 10 ईयर्स देखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत अजियत वाला सब्जेक्ट समझते हैं। टीचर्स इनको रट्टे लगवा रहे होते हैं, सवाल करवा देते हैं, 4 सवाल बच्चा करके रट्टे मार के चला जाता है, पेपर में जहां सिनेरियो आगे पीछे हुआ परेशान हो जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला कॉस्ट को मैथ्स की लॉजिक के साथ लेके चलूंगा, और बड़े कम टाइम में कॉस्ट के सवाल कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं उसके ऊपर बात होगी। और मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को एनेबल किया जाए, बजाय इसके कि 25 सवाल हाथ से कराए जाएं, 2 सवाल हाथ से करा के मेथड बता दिया, देन स्टूडेंट से रिस्पॉन्सेज ली और उसके ऊपर बात की। तो अगेन मैं अपने ऊपर कम डिस्कशन और कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन जरा ज्यादा कर रहा था, क्योंकि लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि मेरा कॉस्ट में नाम। तो ये मेरा फेवरेट पेपर है, लेकिन बड़े अरसे से मार्केट में नजर नहीं आया, क्योंकि मेरे कॉलेज को इन सब्जेक्ट्स में जरूरत नहीं होती थी, तो जहां जरूरत होती थी मैं वहां पे काम कर रहा होता था।